नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल पे। दोस्तों, ये कुछ हमारे सोशल लिंक हैं जिससे आप हमसे सीधे जुड़ सकते हैं, और अगर आप चाहो तो क्लासेस और नोट्स इंस्टा मोजे पर जाकर खरीद सकते हैं। दोस्तों प्लीज़, अगर अभी तक आपने अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए। अनअकैडमी में आपको सारे विषयों के वीडियोस मिल जाते हैं, हमारे वीडियोस भी आपको अनअकैडमी पर मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है जहाँ पर आप जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अजय साहू ऑनलाइन क्लासेस। मेरा नाम विवेक सिंह राठौर है एंड मैं आपको इस वीडियो लेक्चर सीरीज के थ्रू छत्तीसगढ़ हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। ये इस लेक्चर सीरीज का 41th लेक्चर है और ये आज हमारा कंक्लूडिंग लेक्चर होगा इस पूरे छत्तीसगढ़ हिस्ट्री का, क्योंकि लास्ट लेक्चर तक हमने 15 अगस्त 1947 तक का पूरा पोर्शन देख चुका है कि कैसे हमारा देश आजाद हुआ और कैसे छत्तीसगढ़ का कॉन्ट्रीब्यूशन था फ्रीडम मूवमेंट में। अब एक पोर्शन बचता है कि 15 अगस्त 1947 के बाद और 2000, जब 1 नवंबर 2000 में छत्तीसगढ़ बनेगा, इसके बीच का जो टाइम पीरियड है, इस दौरान कई बार छत्तीसगढ़ बनने के डिमांड उठे हैं और इस डिमांड में कौन कौन पार्टिसिपेट किया, कौन कौन कुछ मूवमेंट किया या कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन बनाया, इस बारे में हमको देखना है। और ये सीजीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से या व्यापम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था करके मैं इसको भी यहाँ पे डील करूंगा। और उसके बाद फिर जब हम लोग कोई नेक्स्ट सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो वो हम लोग उसमें डील करेंगे, ठीक है। आप लोग अगर इस सारे वीडियो लेक्चर सीरीज को फॉलो कर रहे होंगे तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि क्या इसका फीडबैक है, आपको पसंद आया है या नहीं आया, या क्या इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, कुछ सजेशन होगा तो बिल्कुल ऑल सजेशंस आर इनवाइटेड, अच्छे भी बुरे भी जैसे भी हो वो इनवाइटेड है, ठीक है। और जो भी सब्जेक्ट इसके बाद अगर आपको पढ़ना होगा तो वो कमेंट बॉक्स पे आप लिख दीजिएगा कि ये सब्जेक्ट अब नेक्स्ट पढ़ना है, तो मेरे को जैसे ही फ्री टाइम मिलता है, क्योंकि कुछ कामों में मैं भी व्यस्त रहता हूँ, तो जब मेरे को फ्री टाइम मिलेगा तो फिर मैं उसके लेक्चर बनाना शुरू करूंगा और फिर उसको हम लोग अपलोड करेंगे, ठीक है। तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ छत्तीसगढ़ स्टेट, मतलब छत्तीसगढ़ स्टेट का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ छत्तीसगढ़ स्टेट या कॉन्स्टिट्यूशन। ये कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान वाला कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ये कॉन्स्टिट्यूशन मतलब बनना, कॉन्स्टिट्यूट होना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ छत्तीसगढ़ स्टेट, ठीक है, हमारा बनना। अब देखिए 1918 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 1918 में पंडित सुंदरलाल शर्मा जी, ये सबसे पहले एक इनको बोलते हैं स्वप्न देखते हैं छत्तीसगढ़ का कि छत्तीसगढ़ ऐसा होगा, यहाँ पे नदियां बहती हैं, इसके इधर पहाड़ है वगैरह वगैरह, उनका तो ये माना जाता है। पंडित सुंदरलाल शर्मा वॉज फर्स्ट विजनरी ऑफ छत्तीसगढ़, ठीक है। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है कि हु वॉज द फर्स्ट विजनरी ऑफ छत्तीसगढ़, किसने सबसे पहले सपना देखा छत्तीसगढ़ का, तो वो सुंदरलाल शर्मा जी थे। उसके बाद आते हैं 1924 पे, तो यहाँ पे वामन राव लाखे जी का नाम आता है, वामन राव लाखे जी। एक्चुअली यहाँ पे कांग्रेस की कमिटी होती है जो रायपुर में होती है, वहां पे ये एक प्रपोजल लाते हैं कि एक सेपरेट छत्तीसगढ़ होना चाहिए, ठीक है। तो वामन राव लाखे डिमांडेड सेपरेट छत्तीसगढ़, ठीक है, इन रायपुर कांग्रेस कमिटी, रायपुर कांग्रेस कमिटी। उसके बाद आता है 1939 में, 1939 में इंडियन हिस्ट्री में देखा जाए तो ये त्रिपुरी सेशन होता है, ठीक है, और इस समय सुभाष चंद्र बोस जीतते हैं जो सेशन का अध्यक्षता है। तो 1939 पे डिस्कशन होता है, इस पे डिस्कशन हेल्ड इन त्रिपुरी कांग्रेस सेशन, कांग्रेस सेशन। ये तीन नाम आपको, तीन ईयर याद रखना, 1918 का सुंदरलाल शर्मा, 1924 वामन राव लाके, 1939 पे यहां त्रिपुरी सेशन में डिस्कशन होता है। फिर डायरेक्ट आते हैं 1955 पे, और इसमें यहां पे डिमांड रखा जाता है छत्तीसगढ़ का, वो है रामकृष्ण सिंह के द्वारा, डॉक्टर रामकृष्ण सिंह, डॉक्टर रामकृष्ण सिंह डिमांडेड
सेपरेट छत्तीसगढ़, लेकिन इसका प्रोटेस्ट होता है और वो खुद पंडित सुंदर पंडित रविशंकर शुक्ला जी करते हैं। ठीक है, पंडित रविशंकर शुक्ला जी तो पूरा अभी हिस्ट्री देख लिया, वो रायपुर से ही थे, रायपुर के ही वो सारे रीडिंग में पार्टिसिपेट करते थे। ठीक है, तो लेकिन पंडित रविशंकर शुक्ला जी बिल्कुल ये डिवीजन नहीं चाहते थे कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ अलग हो, तो वो उस चीज का प्रोटेस्ट करते हैं। ठीक है, पंडित रविशंकर शुक्ला जी प्रोटेस्टेड। उसके बाद आते हैं 1956 में होता क्या है कि सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, जो इतने दिन तक सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार था, उसका रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, फिर से पुनर्गठन होता है। और इस समय हर किसी को यह आस रहता है कि छत्तीसगढ़ स्टेट फिर बनेगा, लेकिन उस समय नहीं बनता है, तो काफी लोगों को ये इंसल्ट फील होता है। और उनमें से जो दो नाम है वो है डॉक्टर खूबचंद बघेल, डॉक्टर खूबचंद बघेल, ठीक है, एंड बैरिस्टर छेदीलाल, बैरिस्टर छेदीलाल। इन दोनों को काफी इंसल्ट फील होता है कि इतना डिमांड किए लेकिन फिर भी नहीं वो हुए। और ये अपना एक ऑर्गेनाइजेशन खुद बनाते हैं, वो है छत्तीसगढ़ महासभा, एक छत्तीसगढ़ का महासभा ये बनाते हैं। ठीक है, अब 1967 आते हैं, 56 के बाद एक एक बढ़ा दीजिए इसमें, 1967 5 का 16, 6 का 17, 1967। फिर खूबचंद बघेल जी अकेले एक अलग से ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, डॉक्टर खूबचंद बघेल, खूबचंद बघेल फॉर्म्ड। ये कई बार पूछा जाता है ना कि कौन बनाए, छत्तीसगढ़ मातृत्व मातृत्व संघ। ठीक है, छत्तीसगढ़ मातृत्व संघ खूबचंद बघेल के द्वारा, छत्तीसगढ़ महासभा डॉक्टर खूबचंद बघेल और बैरिस्टर छेदीलाल और डॉक्टर रामकृष्ण सिंह। ये भ्रातृत्व करके होगा या मातृत्व कर, कई बुकों में अलग अलग दिया रहता है, तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग वाला स्टेट है क्योंकि मैं कई जगह भ्रातृत्व भी पढ़ा हूं और कई जगह मातृत्व भी, तो इसको थोड़ा एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पोर्शन पे, वो 1967 के बाद 1975 पे आते हैं। ठीक है, भ्रातृत्व संघ, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। फिर 1975 पे आते हैं, 1975 पे। ठीक है, ये 77 तक चला और इस समय शंकर गुहा नियोगी, ये है शंकर गुहा नियोगी। ठीक है, ये फॉर्म्ड छत्तीसगढ़ लिबरेशन फ्रंट। ये इसको हिंदी में बोला जाता है मुक्ति मोर्चा, छत्तीसगढ़ महामुक्ति मोर्चा। किसने बनाया, तो शंकर गुहा नियोगी ने बनाया। उसके बाद 1983 पे, ठीक है, 75 के बाद 83 में खुद फिर से शंकर गुहा नियोगी बनाते हैं, वो है छत्तीसगढ़ संग्राम मंच। ठीक है, और इसी समय 1983 में पवन दीवान फॉर्म्ड छत्तीसगढ़ पृथक पार्टी, एक छत्तीसगढ़ पृथक पार्टी बनाई जाती है। उसके बाद 1990 में आते हैं, 1990, और यहां पे चंदूलाल चंद्राकर जी फॉर्म्ड छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण मंच। ठीक है, एक छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण मंच बनाया जाता है, वो है चंदूलाल चंद्राकर जी के द्वारा 1990 में। उसके बाद 1993 का देखा जाए तो डॉक्टर रविंद्र चौबे जी ये मध्य प्रदेश का जो लेजिस्लेटिव असेंबली होता है उसमें ये विधायक रहते हैं, तो ये डॉक्टर रविंद्र चौबे जी ने एक प्रपोजल लाते हैं वहां पे। ठीक है, तो ऑफिशियली एक प्रपोजल लाया जाता है डॉक्टर रविंद्र चौबे जी के द्वारा। ठीक है, मध्य प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली में, विधानसभा में। ठीक है,
उसके बाद 1998 में आते हैं और 1998 में खुद प्रधानमंत्री जो अभी नहीं रहे हमारे साथ, प्रधानमंत्री उस समय के अटल बिहारी वाजपेयी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, वाजपेयी जी अपने स्पीच में ये बोलते भी हैं कि तुम मुझे लगभग 11 लोकसभा की सीट दो और मैं तुम्हें छत्तीसगढ़ दूंगा, ऐसा टाइप का। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी इस बात को जिक्र करते हैं कि छत्तीसगढ़ स्टेट बनने के लिए, और उस समय जो प्रेसिडेंट होते हैं वो भी अपने स्पीच में ये चीज का जिक्र करते हैं छत्तीसगढ़ स्टेट के बारे में, ठीक है। और 1998 में ही एक ऑफिशियल ऑफिशियल रेजोल्यूशन पास होता है, ऑफिशियल रेजोल्यूशन पास इन मध्य प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। यहां पे एक ऑफिशियल प्रपोजल आता है लेकिन ऑफिशियल रेजोल्यूशन आता है 1998 में मध्य प्रदेश के लेजिस्लेटिव असेंबली में, ठीक है। उसके बाद अब आते हैं हम लोग कुछ डेट पे कि अब 1998 में रेजोल्यूशन तो आ गया लेकिन अब ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है और ये डेट कई बार एग्जामों में पूछ चुका है, इसलिए एक एक डेट को आपको याद रखना है, और वो है आपका 25 जुलाई 2000, ठीक है। 25 जुलाई 2000 इसमें एक बिल लाया जाता है, वो है मध्य प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन बिल, ठीक है, और ये 2000 में आता है। तो मध्य प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2000 आता है 25 जुलाई 2000, ठीक है, और ये लोकसभा में लाया जाता है, लोकसभा में रखा जाता है ये बिल को, ठीक है। उसके बाद आते हैं 31 जुलाई 2000 पे, और ये लोकसभा में पास हो जाता है, लोकसभा पास्ड, इस बिल को पास कर दिया जाता है। उसके बाद इसी के बाद 3 अगस्त को आते हैं, 3 अगस्त 2000 ये राज्यसभा में लाया जाता है, ठीक है, बिल प्रेजेंटेड इन राज्यसभा, राज्यसभा में लाया जाता है। और 9 अगस्त 2000 को ये बिल राज्यसभा के द्वारा भी पास हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं 28 अगस्त 2000 को ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी इस उसको साइन कर देते हैं। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और उस समय होते हैं के आर नारायणन इस बिल को साइन, मतलब इस इसको साइन कर देते हैं, साइन, ठीक है। और फाइनली 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ 26th स्टेट ऑफ इंडिया बन जाता है। इस प्रकार 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ हमारा 26वां जो राज्य है वो बनता है, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग एक पोर्शन और छोटा सा बचता है, वो पोर्शन भी एक बार देख लेते हैं क्योंकि वो पोर्शन से कई बार एग्जाम में पूछा गया है और मैं नहीं चाह रहा हूं कि हमारा जो हिस्ट्री का क्लास है उसमें कुछ भी पोर्शन छूटे और आपको सारे क्वेश्चन बने, इसलिए क्लास लंबी हो तो हो लेकिन एक पोर्शन को पढ़ लेते हैं, ठीक है। और वो है छत्तीसगढ़ का नामकरण, छत्तीसगढ़ का नामकरण के पीछे भी काफी थ्योरीज हैं, तो छत्तीसगढ़ नेम के पीछे हम लोग देख लेते हैं छत्तीसगढ़ नेम। अब देखिए सबसे पहला जो है वो है 1487, अब इसमें याद रखिएगा खैरागढ़ में एक रूलर थे, उनका नाम था लक्ष्मी निधि, ठीक है, ये रूलर थे खैरागढ़ के, 1487 की बात है। अब इनके दरबार में एक पोएट थे, उनका नाम था दलपत राव, ठीक है, तो पोएट दलपत राव, इन्होंने सबसे पहले छत्तीसगढ़ का नाम बोला था, मतलब अपने यूज किया था, तो सबसे पहले फर्स्ट यूज्ड छत्तीसगढ़ वर्ड, ठीक है। तो एक एग्जाम ये कई बार ये पूछा जाता है कि सबसे पहले जो छत्तीसगढ़ वर्ड है कौन यूज किया था, दलपत राव लक्ष्मी निधि के पोएट थे, खैरागढ़, 1487 की बात है। उसके बाद आते हैं 1689, ठीक, 200 साल के बाद लगभग, और इस समय होते हैं गोपाल मिश्र, इनको हम लोग जब कलचुरी पढ़े थे तब
इनके बारे में हमने डिस्कस किया था कल गोपाल मिश्र को, और इनकी जो फेमस रचना है वो है खूब तमाशा। खूब तमाशा में ये छत्तीसगढ़ का इस्तेमाल किए थे, ठीक है, और छत्तीसगढ़ को पॉलिटिकल यूज के तौर पे देखे थे, पॉलिटिकल यूज, ठीक है। उसके बाद आते हैं 1896 में, फिर 200 साल के करीब बाद बाबू रेवा राम का नाम सुने हैं हम लोग, बाबू रेवा राम, और इनको इनकी जो रचना थी विक्रम विलास उसमें इसका इस्तेमाल हुआ है, विक्रम विलास, ठीक है। और इसमें ये कहा है, इन्होंने कहा है कि दिस एरिया इज छत्तीसगढ़, मतलब वो जिस एरिया के बारे में बताया है विक्रम विलास में उसको बताया कि जिस एरिया में है वो छत्तीसगढ़ है, तो वही मतलब कहीं ना कहीं मेंशन हुआ है छत्तीसगढ़ के बारे में। फिर कनिंघम, ठीक है, कनिंघम ने छत्तीसगढ़ को महाकौशल कहा है, महाकौशल, ठीक है। उसके बाद आते हैं काशीनाथ गुप्ते के बारे में, काशीनाथ गुप्ते, ठीक है, ये लगभग 1707 के करीब, 1717 के करीब है ये काशीनाथ गुप्ते। अब देखिए इस समय 1741 के समय तो मराठा वाले अटैक किए थे, तो इस समय वो भोसलावासी कहते थे, भोसले भोसलावासी मान लेते थे कि वो भोसले के वो हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं कैप्टन ब्लंट, कैप्टन ब्लंट भी छत्तीसगढ़ के बारे में जिक्र किए थे अपने गैजेट में, वो जब छत्तीसगढ़ से राजमुंद्री जा रहे थे, छत्तीसगढ़ टू राजमुंद्री जो आंध्र प्रदेश में है वहां जब जा रहे थे तब इस बात का जिक्र किए थे लगभग 1798 में, ठीक है। 1795 में तो आप लोगों को याद होगा कि भोपालपट्टनम विद्रोह भी हुआ था, और भोपालपट्टनम जो रिवोल्ट था उस समय कैप्टन ब्लंट थे जिनको बस्तर आने नहीं दिया गया था, तो वही 1798 में जब छत्तीसगढ़ से राजमुंद्री जा रहे थे तब की वो अपने गैजेट में छत्तीसगढ़ का जिक्र किए थे। उसके बाद आते हैं हम लोग जीवी पेलगर साहब के बारे में, जीवी पेलगर, इनके बारे में हमने पहले पढ़ा है, और वो बोलते थे छत्तीसगढ़ मगध के राजा जरासंध से बहुत लोग अटैक मतलब भयभीत होके यहाँ आते हैं, तो 36 फैमिली आती हैं और उनको छत्तीसगढ़ घर बोला जाता है, बाद में वो छत्तीसगढ़ हो जाता है, और इसी में डॉक्टर हीरालाल का भी नाम आता है, डॉक्टर हीरालाल, ठीक है, और ये चेदीसगढ़ बोलते हैं, ये इनका कहना था कि छत्तीसगढ़ चेदी महाजनपद का पार्ट था और वही चेदीसगढ़ हुआ, और बोलते बोलते वो छत्तीसगढ़ में कन्वर्ट हो गया। और बाद में एक हम लोग देखते हैं इसमें खल्लारी इंस्क्रिप्शन, खल्लारी इंस्क्रिप्शन, इसी में हमको जानकारी मिलती है कि टोटल 18 प्लस 18 गढ़ थे, ठीक है, और बाद में चिस्म इसको क्लियरली समझाते भी हैं कि इंदिरा जो शिवनाथ नदी के ऊपर 18 गढ़ है, नीचे 18 गढ़ है, जो हम लोग एक अलग से लेक्चर में हम लोग डील किए थे। तो फ्रेंड्स ये वाला लेक्चर भी आज कंप्लीट हो गया, जो छत्तीसगढ़ का फॉर्मेशन था 1947 से 2000 1 नवंबर 2000 तक का, और छत्तीसगढ़ के नामकरण भी हमने देख लिया कि इतने लोगों ने नामकरण किया है इसका अलग अलग तरीके से अलग अलग, ठीक है। तो ये हमारे छत्तीसगढ़ हिस्ट्री का जो ये 41th लेक्चर था, ये हमारा छत्तीसगढ़ हिस्ट्री अब कंप्लीट होता है। इसके बाद आपको कुछ भी पढ़ना होगा तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल इसको जिक्र करिएगा, मैं बिल्कुल उसका रिप्लाई करूंगा, और कोई भी डाउट आता है तो उसको आप पूछ लीजिएगा। अब मैं एक चीज सोचा था कि पूरा लेक्चर खत्म हो जाएगा तब मैं अपना इंट्रोडक्शन आपको आप लोग को दूंगा कि मैं मतलब हूं कौन एक्चुअली, तो लेकिन अभी टाइम की शॉर्टेज की वजह से मैं इस लेक्चर में नहीं दे पाऊंगा, तो अब एक लेक्चर मैं और लेने वाला हूं, वो एक सीजीपीएससी और व्यापम सीजीपीएससी का ही प्री और मेंस का मैं एक सिलेबस का फॉर्मेट बना के आपको समझाऊंगा, उन लोगों को जो इस सिलेबस रूबरू नहीं है या फिर कुछ नए हैं, जो अच्छे से रूबरू हैं उनको तो जरूरत नहीं है, लेकिन जो नहीं है वो एक बार उस सिलेबस को देखिएगा और उसमें वो अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं कि देखिए हम एग्जाम दे रहे हैं तो हमको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है वो हमको पता होना चाहिए, तो वो मैं अच्छे से समझाऊंगा कि देखिए मेजर पोर्शन से क्वेश्चन आते हैं वो पोर्शन आप क्लियर कर लीजिए तो उसके बाद आपका प्री क्लियर हो जाता है और फिर आप मेंस की तैयारी कर सकते हैं, तो मैं उस लेक्चर में डील करूंगा, वो बहुत जल्द आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही काफी है, छत्तीसगढ़ हिस्ट्री के लिए इतना ही काफी है, और पूरा कॉन्फिडेंट हूं कि इस जितना मैं 41 लेक्चर में पढ़ाया हूं उससे ज्यादा क्वेश्चन
शायद ही आएगा। इवन मतलब अगर 90% बोल सकते हैं तो 90% इस जितना पोर्शन है उससे बाहर नहीं आने वाला। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। ठीक है, थैंक यू सो मच।